नमस्कार, मेरा नाम है चंद्रमणि शुक्ला और आप देख रहे हैं ताली डर हिंदी। समाजवादी पार्टी ने नेताजी मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद खाली मैनपुरी की सीट से पूर्व सांसद डिंपल यादव को अपना प्रत्याशी बनाया है। इसके पहले तमाम नामों को लेकर चर्चाएं चल रही थी, लेकिन अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह की विरासत संभालने की जिम्मेदारी अपनी पत्नी डिंपल यादव को सौंपी है। इसके पीछे एक वजह ये भी बताई जा रही है कि भाजपा की तरफ से अपर्णा यादव को मैनपुरी से प्रत्याशी बनाए जाने की सियासी गलियारों में चर्चा जोरों पर थी। अब अगर भाजपा अपर्णा को मैदान में उतारती है तो विरासत की लड़ाई बड़ी बहू बनाम छोटी बहू की भी हो सकती है। इस उपचुनाव में चाचा शिवपाल की भी भूमिका काफ़ी अहम होने वाली है, क्योंकि चाचा शिवपाल की विधानसभा सीट जसवंत नगर सीट भी मैनपुरी लोकसभा में ही आती है और उनकी ये सीट एक प्रकार से निर्णायक भी है, क्योंकि मैनपुरी लोकसभा सीट में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं, जिसमें मैनपुरी, भोगांव, किसनी और करहल विधानसभा सीटें मैनपुरी जिले की हैं, जबकि जसवंत नगर विधानसभा सीट इटावा जिले में है। और 2022 के विधानसभा चुनाव के परिणामों को देखें तो मैनपुरी और भोगांव सीट पर भाजपा ने जीत दर्ज की थी, जबकि किसनी, करहल और जसवंत नगर सीट समाजवादी पार्टी के पास थी। लेकिन सबसे खास बात यह है कि भले ही शिवपाल यादव सपा के टिकट पर चुनाव लड़े हों, लेकिन वो वर्तमान में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के अध्यक्ष हैं। ऐसे में भाजपा और सपा के पास दो दो सीटें ही बचती हैं, तो इस सीट पर निर्णायक चाचा शिवपाल की ही सीट रहने वाली है। अब ये देखना होगा कि डिंपल यादव को चाचा शिवपाल का कितना आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि डिंपल यादव भी अभी तक 2 चुनाव जीतकर और 2 चुनाव हारकर बराबर के ग्राफ पर हैं और इस चुनाव में उनके आगे के राजनीतिक भविष्य का भी निर्धारण होगा। डिंपल यादव के अब तक के सियासी सफर की बात करें तो डिंपल यादव ने साल 2009 में लोकसभा का पहला चुनाव फिरोजाबाद से लड़ा था, जिसमें कांग्रेस के राज बब्बर ने उनको हराया था। इसके बाद अखिलेश यादव ने साल 2012 में जब कन्नौज लोकसभा की सीट छोड़ी तो उपचुनाव में डिंपल यादव निर्विरोध लोकसभा सदस्य बनी थी। साल 2014 में मोदी लहर के बावजूद डिंपल यादव अपनी सीट बचाने में कामयाब रही थी। साल 2019 में समाजवादी पार्टी और बसपा की संयुक्त प्रत्याशी के रूप में कन्नौज से एक बार फिर लोकसभा चुनाव लड़ी डिंपल यादव को भाजपा के सुब्रत पाठक ने हरा दिया था और अब डिंपल यादव एक बार फिर से मैनपुरी से चुनावी मैदान में हैं। मैनपुरी के जातीय समीकरण को समझें तो यहाँ पिछड़े वोटरों की बहुलता है, इसके साथ ही शाक्य और ठाकुर समाज की आबादी भी अच्छी संख्या में है। यहाँ सबसे ज़्यादा यादव मतदाता है, जिनकी संख्या करीब 3.5 लाख है। इसके साथ ही करीब 1,50,000 ठाकुर, 1,20,000 ब्राह्मण, 1,60,000 शाक्य, 1,40,000 जाटो और 1,00,000 लोधी राजपूत मतदाता है। वहीं वैश्य और मुस्लिम मतदाता भी 1,00,000 के करीब है, तो कुर्मी मतदाता की भी इस सीट पर 1,00,000 के आसपास संख्या बताई जाती है। इस जाति समीकरण के साथ मैनपुरी में मुलायम सिंह यादव परिवार की भूमिका भी काफ़ी अहम रही है। मुलायम सिंह यादव परिवार के 3 सदस्य इस सीट से 6 बार सांसद चुने जा चुके हैं, जिसमें मुलायम सिंह यादव 4 बार, धर्मेंद्र यादव 1 बार और तेज प्रताप यादव 1 बार सांसद चुने गए हैं। यानी मुलायम परिवार के 3 लोग इस सीट पर अब तक 17 साल तक सांसद रह चुके हैं। अब ये देखने वाला होगा कि मुलायम सिंह यादव के इस दुनिया में ना रहने के बाद समाजवादी पार्टी यहाँ किस तरह से प्रदर्शन करती है और क्या भाजपा इस गढ़ में कुछ कमाल कर पाएगी, ये भी देखने वाली बात होगी। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें।